अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि ममता खुद चाहती है कि दंगा हो, क्यों कह रहे हैं ऐसा और क्यों लग रहा है ऐसा कांग्रेस पार्टी को? देखिए, चुनाव का माहौल है, कोई किसी भी नेता को, चाहे मोदी जी हो चाहे ममता बनर्जी हो, किसी को भी ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। मोदी जी बिहार में जाके बयान देते हैं कि राम मंदिर कोई नहीं गया। अरे भाई, हम तो राम मंदिर का सम्मान करते हैं और हमने हमारे नेता जा रहे हैं, तो मोदी जी ये बताएं कि राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि चुनाव आयोग ने कहा कि कोई भी व्यक्ति धर्म का या किसी भी ईश्वर का या संप्रदाय का नाम नहीं लेगा। नरेंद्र मोदी जी ऐसा क्यों करते हैं भाई? नरेंद्र मोदी जी बहुत रावण राज जंगल राज की बात करते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, आप खुले मंचों से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी आपने बता दीजिए ना, कितनी गारंटी दिया, कितने पत्रकार वार्ताओं को संबोधित किया, कितनी बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताइए। नरेंद्र मोदी जी से देश पूछना चाहता है, जो आपने गारंटी दी थी उन गारंटियों को क्या होगा? जो आपने कहा था, गारंटी दिया था 2 करोड़ रोजगार हम सबको देंगे, एक इसका क्या हुआ? गृह मंत्री जी कहते तो जुमलेबाजी हो गई। तो इन मुद्दों पे चुनाव होता है पिताजी, तो शायद अच्छा होता, ठीक है, लेकिन ये तो बताइए, ममता खुद दंगा चाहती हैं, ये क्यों कहा गया? मुझे ये स्पष्टीकरण समझ नहीं आया। इसके लिए मैं क्या कहूंगा, पयः पानम भुजंगा नाम केवलम विश्ववर्धनम, सांप को अगर दूध पिलाएंगे तो विश्ववर्धन होगा। तो ममता बनर्जी की पार्टी हो या कि भाजपा हो, इस सांप रूपी पार्टियां हैं, इनको जनता रूपी जनार्दन कालिया नाग की तरह दहन करेगी और देश से नफरत की, हिंसा की, बेरोजगारी की, महंगाई रूपी जहर को दूर किया जाएगा। ये जनता एहसास, ये कालिया नाग की जो बात आप कह रहे हैं, ये एहसास कब हुआ आपको? टीएमसी के लिए आपको कब एहसास हुआ? जब आपका गठबंधन नहीं बना बंगाल में, क्योंकि एनडी गठबंधन में तो आप साथ ही हैं। देखिए, हमारा गठबंधन बंगाल में उनके साथ नहीं है, लेकिन मतलब बात बंगाल के लिए वो काला सर्प है, उसके अलावा ठीक है वो। भाजपा के लिए कह रहा हूँ कि भाजपा और ममता बनर्जी आपस में इस तरीके से वार्तालाप करके, भाषण करके देश की जनता को, देश के जनार्दन को बरगलाना चाहते हैं। भगवान भी झांसे में आ जाते हैं, भगवान को भी। देखिए, एहसास की जब बात, सीटों का गठबंधन नहीं बन पाया ममता, क्योंकि वहां तो देखिए मोहब्बत की दुकान लेकर पहुंचे थे ना राहुल गांधी, इसीलिए ना हमने कहा कि मोहब्बत की दुकान में ममता बनर्जी भी अगर होती बंगाल में, अगर हमारे साथ चलती तो शायद ऐसे बयान नहीं तो आते, काला सर्प नहीं तो होती। भाजपा आज कालिया नाग की तरह, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाजपा कालिया नाग क्यों है, महंगाई, नफरत, हिंसा, बेरोजगारी। कालिया नाग भाजपा बनर्जी और बीजेपी को बोला, टीएमसी और बीजेपी को आपने बोला दोनों, मैंने टीएमसी को लेकर सवाल पूछा तो आपने अकेला फिर बीजेपी। तो मुझे ये बताइए कि कालिया नाग जिसको आप कह रहे हैं वो कौन है? अगर टीएमसी है तो ये आपको एहसास कब हुआ? कालिया, जब आपका गठबंधन नहीं बना तब आपको कालिया नाग इस देश में कौन है? महंगाई, बेरोजगारी, मैं यही कह रहा हूँ ना, कालिया सब कौन है सर? ये कालिया नाग वही है। अगर मैं तीसरी बार पूछूंगी तो कहीं आप इस चाय के कप को भी कालिया नाग ना बता दें। इसलिए मैंने कहा, कैसे बदल रहे हैं अर्पिता जी, आप इसको अदरवाइज मत ले जाइए, आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको अपना जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहा भाजपा ने इस देश में जो कालिया नाग रूपी महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पैदा कर रखी है, उसको जनता जनार्दन साफ कर देगी, चाहे ममता बनर्जी बंगाल में कर रही हो भाषणों की वजह से, और नरेंद्र मोदी जी बिहार से लेके बंगाल में जो नफरत का भाषण दे रहे हैं उसको दूर कर देगी। इसके लिए मैंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा है, आज नरेंद्र मोदी जी मुद्दों की बात नहीं करते, बिहार में जाके 15 साल का जंगल राज याद आता है, तो नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, भाई साहब सरकार आपके ही है 15 सालों से, 5 सालों से आप ही आपके नेता। अगर ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी खुद दंगा कराना चाहती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको लेकर, ममता बनर्जी जैसे आप बीजेपी के लिए मोर्चा लेकर खड़े हुए हैं, क्या आप टीएमसी के लिए मोर्चा लेकर खड़े होंगे? क्या आप विरोध करेंगे कि रामनवमी के दिन जो इतिहास चलता आ रहा है, रामनवमी में हर बार ऐसे ही हिंसा होता है, आप प्रोटेस्ट करेंगे? अर्पिता जी, एनडी गठबंधन से उनकी बिल्कुल, ममता बनर्जी और टीएमसी से अलग हो रही है कांग्रेस पार्टी, मालूम है ये? अर्पिता जी बिल्कुल, देखिए अभी चुनाव का समय चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, कोई भी ऐसा भड़काऊ भाषण अगर देगा कोई भी दल, चाहे किसी भी पार्टी की बात कर रही हूँ, कांग्रेस पार्टी का रूप बताइए, आप इस मंच से आज ये ऐलान कर दीजिए कि कोई संबंध अब टीएमसी पार्टी से हमारा नहीं रहने वाला। देश विरोधी, जो संविधान विरोधी, जो लोग ऐसे भाषण देंगे, धर्म के खिलाफ देंगे, तो चुनाव आयोग को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं चुनाव आयोग की बात तो कर ही नहीं रही सर, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रही हूँ। आप ये कह दीजिए कि ममता बनर्जी से कोई संबंध नहीं रखना, ऐसे बयान वो दे रही हैं, हम नहीं है उनके साथ, इस मंच से कर दीजिए ऐलान। देखिए, नरेंद्र मोदी जी आपसे नहीं, आप नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं क्या? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से, जनक जी
सीधा सा सवाल। नहीं नहीं, आप ममता बनर्जी को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी को मैं परेशान, मैं नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री ना कि ममता बनर्जी। ठीक है, एक बार जरा वो मैं पीसीआर से कहूंगी, वो एक बयान अधीर रंजन चौधरी का एक बार फिर से सुनवा दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी के ही नेता है और एक बार जरा वो बयान आपको हम सुनवाएंगे, उसके बाद एक बार फिर आपसे जवाब लूंगी। फिर मैं चाहूंगी शायद आप जलेबी ना बनाए और सीधा जवाब दे दें। खैर चलिए, अब चर्चा में आगे बढ़ रहे हैं। नवल किशोर यादव, समझ गई सर, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे, ये काला सर्प है ना सर, सबने सुन लिया आपने क्या कहा, क्या तस्वीर साफ हुई, कितना स्पष्टीकरण हुआ। नवल किशोर जी, अब जरा आपका रुख करूं, ऐसा क्यों है बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राम का मुद्दा, धर्म का मुद्दा, धर्म वाली सियासत बीजेपी करती है। हर चुनाव में आप ये ले आते हैं, आप एक तरफ करते हैं कि हम विकास से यहां तक पहुंचे, दूसरी तरफ हर मंच से धर्म की बात हो जाती है, तो आप आगे किस नाव पर बैठकर चल रहे हैं, विकास की नाव पे या धर्म की नाव पे? ये लोग भ्रम फैलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस विकास के मुद्दा पर और विकास में जो सागिर्द होते हैं उन तमाम मुद्दों पर बात करती है। जरा उनसे पूछिए कि ये गांव गांव बिजली इनकी पार्टी ने पहुंचाया है, घर घर ये गरीबों के घर में बाथरूम इन्होंने पहुंचाया है, पूछिए कि ये जितने बड़े नेटवर्क हाईवे का बना है पूरे देश में इनकी पार्टी ने पहुंचाया है, ये जो गरीबों के गैस सिलेंडर मिले हैं मुफ्त के इनकी पार्टी ने पहुंचाया है, इन्होंने और इनका एक चार्जर है कि राम का नाम लेते हैं। तो आपको क्या लगता है इस देश के हिंदू बगैर राम के रह सकते हैं? जीते राम मरते राम, तो हम लोग सोते भी हैं तो मॉर्निंग में उठते हैं हे राम करते हैं, तो ये हमारा लक्ष्मण रेखा खींचेंगे? इनसे पूछ के हम बोलेंगे कि हम राम कहें कि कृष्ण कहें, कि हम जैथुस्त कहें कि दरिया कहें कि नानक कहें कि गोरख कहें? ये हमको मार्गदर्शन देंगे? हम जिस परंपरा में, जिस संस्कृति में पैदा लिए हैं, जिस परंपरा और संस्कृति में हम पले और बढ़े हुए हैं, उस संस्कृति को अक्षुण रखना हमारा काम है और सबों का काम है। आखिर इनको ऑब्जेक्शन कौन बात का है, पहले ये अपना क्लियर करें ना कि ममता बनर्जी से क्या है। हर स्टेट में अलग अलग है जी। प्रधानमंत्री फिर ये क्यों कहते हैं कि याद रखिएगा उन पापियों को चुनाव में वोट करने से पहले, रामनवमी आ रही है, इस तरीके के बयान अगर प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो उसका क्या मतलब? वहां ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम आपके लिए ये योजना लाए, याद रखिएगा वोट करते समय? नहीं नहीं, उनका कहने का मतलब ये नहीं है। अच्छा, उनका कहने का मतलब है कि राम नवमी भी हमारा एक धर्म के अक्षुण पाठ है। हाँ। आप उसको भी याद रखिएगा, और जो इस पर कुठाराघात फैलाने और जो इसके खिलाफ दुष्प्रचार करना चाहते हैं उन पर भी नजर रखेगा। उनका कहने का सेंस है, मैंने कहा कि मेरी संस्कृति, मेरा धर्म, हम जिस संस्कृति में पैदा लिए हैं, जिस संस्कृति में पले हैं, कदापि उस संस्कृति तो को हम चुनावी रैलियों में, हम वोट लेने के लिए चुनावी रैलियों में, अगर जिस नाव पे आप सवार हो उस नाव में एक पतवार जो है वो धर्म की हो और एक विकास की, तो ये बोलिए ना। अगर वहां से बैठकर धर्म की बात हो रही है चुनावी रैलियों में, इसका मतलब धर्म भी एक एजेंडा ही है बीजेपी का जो सामने रख रही है, राम को याद दिला रही है। नहीं 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 नहीं, राम के याद से इतना छटपटाहट क्यों है? राम के नाम से, राम के नाम याद कराने से इतना छटपटाहट क्यों? अभी चुनाव हो रहा है, चुनावी रैली में अगर आप याद दिलाएंगे क्या कहेगा तो छटपटाहट, तब तो वो सवाल उठाएंगे कि बार बार राम का मुद्दा आप क्यों ला रहे हैं बीच में, आप विकास के मुद्दे पर क्यों नहीं वोट मांगने जाते हैं? नहीं नहीं, अरे भाई राम जन्म से लेके मरने तक राम ही है, तो किसका मुद्दा लाएं? हम पैगंबर का मुद्दा लाएं, हम जैथुस्त का मुद्दा लाएं, हम दरियादास का मुद्दा लाएं, हम रामानंद की बात करें, हम गोरख की, हम किसका बात करें? हमारे संस्कृति में सोने से लेके और जगने तक राम की ही बात होती है। हाँ। और हमारे लोग आए हुए हैं तो हम रामनवमी की बात करें, दशहरा की बात करें, दीपावली की बात करें, तो इसमें छटपटाहट की क्या बात है? ये तो गलत बात है। और नरेंद्र मोदी जी अपने आत्मसंयम से ऐसा कोई बात नहीं कहते हैं, लेकिन इन लोगों को कोई मुद्दा नहीं है। नरेंद्र मोदी एक इस देश में इन लोगों के लिए मुद्दा है,
और पूरे दुनिया में नरेंद्र मोदी जी के डुगडुगी बज रहे हैं, इसलिए इन लोगों का हड़बड़ाहट है। दीपक जी क्या कह रहे हैं? देखिए धर्म की बात करते हैं और धर्म बता नहीं पाए कि धर्म क्या है। हमारे शास्त्रों में, हमारे हिंदू सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जन्म पुंसवन संस्कार से लेकर मृत्यु संस्कार तक। तो भाजपा अब अपने अंतिम संस्कार की ओर जा रही है, 16वें संस्कार में भाजपा का प्रवेश हो चुका है। तो 2024 का जो चुनाव है सनातन संस्कृति के अनुसार भाजपा का अंतिम संस्कार हो जाएगा। चिंतित आप क्यों हैं? बता नहीं पा रहे, भूखे भजन न हो गोपाला, आम आदमी को भूखे भजन नहीं कर पाता, पेट में भोजन चाहिए, नौकरी चाहिए, काम चाहिए। जो 20 साल, आज से 10 साल पहले 20 साल का, 22 साल का युवा था, आज 30 साल का, 32 साल का हो चुका, 35 साल का हो और इंतजार कर रहा है, कहते हैं मोदी जी नौकरी दे दीजिए, तो मोदी जी झुंझुना से क्या दे रहे हैं? 2047 तक का इंतजार करो, 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे। आज हम रहेंगे नहीं, कल को रहेंगे नहीं, और मोदी जी 2047, तो सपनों के सौदागर हैं, जुमलेबाजों के सौदागर हैं। देश की जनता इनको बखूबी समझ चुकी है। अच्छा ये तो बता दीजिए, सनातन के बारे में पढ़ना आपने कब से शुरू किया? सनातन तो मेरी संस्कृति है, तो मैं पैदा ही हूँ सनातनी घर में, परिवार में हूँ, तो सनातन के बारे में मुझे भाजपा से नहीं लेना है। ठीक है, शुभांकर भट्टाचार्य भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता टीएमसी के। शुभांकर जी मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाह रही थी लेकिन क्योंकि आप लेट से जुड़े, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी को ये एहसास कैसे हो जाता है कि रामनवमी के दिन दंगा होने वाला है, ये बीजेपी सवाल पूछ रही है। नहीं, इसमें कौन से एहसास की बात है बताइए? जो रामनवमी में हम स्पेशल कर रहे हो, जो बाकी दिनों में नहीं किया, ये रामनवमी के लिए कुछ अलग से किया जा रहा हो, ये बीजेपी वाले ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, पा रहे होंगे, जो कि स्पेशली जो वहां बंगाल में जो रह रहे हैं उनसे ये बात पूछना चाहिए कि आपने क्या स्पेशल देखा भाई। उनको हर चीज में रंग दिखाई देता है, तो उनसे पूछना चाहिए कि आपने क्या अलग देखा कि ममता बनर्जी ने ऐसा कौन सा चीज उनको अंदेशा हो गया और क्या चीज उनको दिखने लगा जिसमें से जो ये जो अचानक उनमें जो सुखबुगाहट होने लग जाती है, आपस में तुरंत चर्चे होने लग जाते हैं, तो क्या क्या चीज उनको दिख गया लगा? शुभांकर जी ये तो वो अच्छा बताते हैं। नहीं नहीं, ममता बनर्जी कह रही है ना रामनवमी के मौके पर ना दंगा कीजिए ना दंगा करने दीजिए, इस तरीके का बयान दिया उन्होंने ना, क्यों? मैं उसी बात पर मैं वो कर रहा हूँ कि देखिए अभी तक आपने देखा ना कि होता क्या है कि जब राम की बात आई, धर्म की बात आई, तो उसका ओनरशिप लेने के लिए मेरे ख्याल से अब इसकी ब्रांडिंग हो जानी चाहिए, अब तक कि लेट हो रहा है, और इसकी ब्रांडिंग अब इसका एक ब्रांड ओनरशिप दे देना चाहिए बीजेपी को कि ताकि इसका नाम कोई ना ले सके, इसके ऊपर कोई बात ना कर सके। अगर ममता बनर्जी ये चीज कह रही है कि भैया रामनवमी आ रहा है उसके लिए भाई पूरी व्यवस्थित होने को सबको कह रहे हैं, सब लोग को ये चीज देखने को, क्योंकि इसका फायदा बीजेपी वहां पे उठाती आई है। नहीं, फिर तो ये सवाल है ना सर कि अभी केवल रामनवमी नहीं आ रही है ना, ईद भी तो आ रही है सर। धर्म के नाम आप पर हर किसी को कहिए कि संयमित और नियमित तरीके से अपने धर्म को मनाइए, अपने धर्म के जो त्योहार है, जो रीति रिवाज है उनको मनाइए। एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर ये बात फिर कहनी चाहिए, ये शोभा देगा ना? या रामनवमी की शुभकामनाएं भी वो नहीं दे रही, वो ये कह रही है कि न दंगा करना है न करने देना है, इसका क्या मतलब सर? नहीं नहीं, इसको मतलब आप कुछ भी निकालिए इसका, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं वो बात कह रहा हूँ जो इसमें से बात का मतलब है, क्योंकि इस समय बंगाल में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ वो रास्ते ढूंढ रही है ताकि वहां पे दंगे हो, क्योंकि एकमात्र दंगा ही एक चीज है जिसके माध्यम से बीजेपी कहीं पे भी राज करने आई। आप गुजरात ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, जहां पे भी उनका शासन बना वहां पे पहला दंगा हुआ, फिर शासन आई, और इस समय वो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए हर एक वो मौका ढूंढती है, जैसे हिंदू मुस्लिम हो सके वो तरीके अपनाए जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्चा किया जाता है, लोग लाए जाते हैं दिखाने के लिए कि बंगाल जल रहा है, और ये जो पूरा जो प्रोपोगंडा जो फैलाया जाता है ये उसके उनका जो ये स्पॉन्सर्ड जो प्रोग्राम होता है उसके प्रति सजग रहने को कहा गया है, उसके प्रति सजग सबको आंख खोल के रखने को कहा गया है। तो मुझे इसमें कोई गलत बात नहीं दिखाई देती है। अब ये गलत बात यहाँ पे अगर शुरू हो सकती है कि आपको ये नहीं सुनने में आता कि अभी आप ही के चैनल पर बैठा व्यक्ति बता रहा है, बैठा व्यक्ति बता रहा है कि मुझे कोई भाई इससे ज्यादा मुझे कोई हमें डेवलपमेंट और इसकी बातें नहीं समझ में आती है, हम शुरू राम से करते हैं अंत राम पे करते हैं और कोई डेवलपमेंट समझ ही में नहीं आता है। लेकिन साहब हमें हर चीज के साथ ये देखना पड़ता है कि कम से कम उस प्रदेश के साथ जिसके साथ सबसे ज्यादा इस समय सबसे ज्यादा जो बायस्ड एक पॉलिसी अपनाई गई वो हुआ बंगालियों के साथ, कौन सा ऐसा मुझे नहीं समझ में आता, कौन सा ऐसा नफरत है, क्यों वहां पे आज के दिन में प्रधानमंत्री जी 80,000 करोड़ अभी भी रुका पड़ा हुआ है, जो 70,000 करोड़ बाकी था वो आज बढ़ते बढ़ते 85,000 करोड़ के आसपास बढ़ रहा है, लेकिन उसको रोका जा रहा है, वहां की फंडिंग रोकी जाती है, वहां का डेवलपमेंट का पूरा फंड रोका गया है, वही चीज जैसे उन्होंने दूसरे प्रदेशों के साथ कहा जहां पे उनका जो शासन नहीं रहता, कम से कम उस पर तो ध्यान दीजिए बाबा।